काम में थी, वो तो निकलते ही नहीं। लेकिन मैं ऐसे आप लोगों की चिंता नहीं करता, हमें कोरोना को भी नियंत्रित करने का काम क्या लड़ते रहेंगे उससे। लेकिन आज मुझे कह दो गर्व और खुशी है, मैंने देखा जब से कृषि मंत्री कमल पटेल बने, गांव गांव में किसानों के बीच में मतलब भवन में बैठ के लगातार कैसे किसान कल्याण के काम हो, लोगों की तकलीफ दूर हो, दिनों रात सचेत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और हम लोग जो फिर से सरकार बना के आपके बीच आए, पहला धर्म है हमारा अपनी जनता की सेवा का, पहला धर्म इससे उन्हें जनता का तकलीफ हो। हम बंगले में नहीं बैठ सकते, हम घरों में नहीं रुक सकते, और इसलिए जब खाते का सोयाबीन देख के क्या रात में ही शाम से खबर आने लगी भारी बारिश हो रही जबलपुर संभाग नरसिंहपुर में डिंडोरी में मंडला में वर्षा के सारे रिकॉर्ड टूट गए, बरगी भरिया बरगी के गेट खुल गए, फिर तबा की खबर आई, फिर बालना की खबर आई, एक गोलार की खबर आई, एक एक करके बांध ओवरफ्लो होते रहे। मैंने ये भी कोशिश किया कि कैसे बांध को रोक के एक का पानी फिर दूसरे का पानी छोड़े, फिर तब तक सब ओवरफ्लो हो गए, पर बाद में अधिकारियों ने जवाब दिया अब अगर बांध का पानी रोका तो कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना है, फिर कुछ नहीं बचेगा। अब ऐसी स्थिति में रात शाम से हमने प्रयास शुरू किए, अफसरों को लेके मैं पूरी रात 29 तारीख की रात भर बैठा रहा, कंट्रोल रूम बना के आंख से आंख नहीं लगाई, क्योंकि जगह जगह से फोन आ रहे थे, यहाँ डूब रहे, यहाँ पानी बढ़ रहा है, यहाँ पेड़ पर बैठे, यहाँ से बचा रहा मामा कमल भी सक्रिय रहे, लगातार राशि घूमते रहे हमारे कार्यकर्ता यहाँ के, विशाल तिवारी, गौरव तिवारी, व्यापारियों से और खत्री, युवा मोर्चे के अध्यक्ष, बजरंग सेना के अध्यक्ष, संघ के स्वयं सेवक, भाजपा के कार्यकर्ता, वो भी लगे रहे। लेकिन हमारे डीजीपी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, पुलिस के साथी, एसडीआरएफ, और फिर मुझे लगा कि इससे काम नहीं चलना तो हमने एनडीआरएफ मंगाए, फिर मुझे लगा कि और दिक्कत है तो रात में रक्षा मंत्री जी से बात करके हमने कहा आर्मी भेजो, सेना भेजो, क्योंकि कई जगह खबर आ रही थी यहाँ फंसे हैं, यहाँ फंसे हैं, निकालो, यहाँ तो नौजवानों ने निकाल दिया, आप सबने निकाल दिया, लेकिन कई जगह हमें नावों से निकलवाना पड़ा। और फिर हमने एयरफोर्स को खबर करके फिर हमने तो हेलीकॉप्टर भी बुला लिए, और मुझे खुशी है कि एयरफोर्स के जवानों ने 300 लोग जो अलग अलग जगह कोई पेड़ पर टका था, कोई टापू में फंसा था, 300 लोग हवाई जहाज से पकड़ पकड़ के हेलीकॉप्टर से उठवा के और उनको सुरक्षित निकाल दिया। 48 घंटे आंख से आंख ना आपने लगाई, ना इन्हें लगाई, ना हमने लगाई, क्योंकि अगर वैसे समय सो जाते तो कोई बड़ी घटना घट जाती। एक संतोष है कि जान बचाने में हम सफल रहे, नर्मदा मैया की कृपा, भगवान के आशीर्वाद से ऐसी परिस्थिति में जो लोग बाढ़ में घिर गए थे उनको सफलतापूर्वक निकाल लिया। घर में होशंगाबाद चले के एक वक्त इंजीनियर के गांव में गया, वोट से गया, वहां तो बचने की संभावना ही नहीं थी, आर्मी ने वहां से भी रेस्क्यू किया, अब जान तो बच गए, भगवान को और मैया को धन्यवाद प्रणाम, लेकिन जान भी तो बचाना है, अब लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लाना है। भैया मैं ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि संकट आए तो बंगलों में छुप जाए, मेरो जनता को देना पड़ेगा। और पिछले साल के भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम क्या आरोप लगाए कि हम पर्यटन कर रहे हैं, पिछले साल के बाढ़ राहत के पैसे आज तक पिछली सरकार ने नहीं दिए हैं, लेकिन आज हम कहने आए, ये बात भी सही है, आपने आज भी देखा होगा।